1 जनवरी 1800 ये वो दिन था जब एक नई सदी के साथ भारतीय इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। 1600 की शुरुआत में भारत आए अंग्रेज 150 साल के संघर्ष के बाद अब तक भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर चुके थे और 250 सालों तक भारत पर राज करने वाली मुगलिया सल्तनत अब अपने अंत के करीब थी। 1800 के मध्य तक आते आते अंग्रेज लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर चुके थे और अब कोई ऐसी रियासत नहीं बची थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। इस समय तक अंग्रेजी हुकूमत भारत में अपने सबसे सुनहरे दौर से गुजर रही थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत में अंग्रेजों का यह सुनहरा दौर चल रहा था तब आम भारतीयों की जिंदगी कैसी थी और आखिर 1800 के दौर में भारत में लोग किस तरह से रहा करते थे? क्या उनकी जिंदगी अब मुगलों के जाने के बाद बेहतर हुई या फिर अंग्रेजों के आने से बदतर हो गई? तो आइए जानते हैं 1800 के उस अनकहे अनसुने दौर के बारे में। 1800 के दौर में अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ भारत दुनिया के कुछ सबसे संपन्न देशों में से एक था। लेकिन इतना संपन्न होने के बावजूद भी उस दौर में जहां दुनिया भर में नए नए आविष्कार हो रहे थे वहीं भारत में टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। उस दौर में भारत में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहद ही साधारण थी। बात अगर उस दौर के लोगों के पहनावे की जाए तो उस समय के अधिकतर लोग धोती और गमछा पहनते थे। कुछ लोग धोती पर कुर्ता भी पहनते थे। पश्चिम भारत के कई इलाकों में लोग धोती कुर्ते के साथ सर पर पगड़ी भी पहनते थे। 1870 के दशक में ली गई इस फोटो को देखिए, इसमें आप एक जनजातीय कबीले के पहनावे को देख सकते हैं। कुछ इसी तरह साल 1897 में ली गई इस फोटो को भी देखिए, इसमें आप उत्तर भारत के ब्राह्मणों की वेशभूषा को देख सकते हैं। उस दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनते थे, सिर्फ कुछ अमीर और चुनिंदा पढ़े लिखे लोग ही पैंट या शर्ट पहनते थे। भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी उस दौर के पहनावे की झलक देखी जा सकती है। उस वक्त के लोगों के घर भी बड़े ही साधारण हुआ करते थे। उस दौर में लोगों के पास सीमेंट और पत्थर से बने पक्के मकान नहीं होते थे बल्कि ज्यादातर घास फूस लकड़ी और गोबर से बनी झोपड़ियों में रहते थे। अगर बात उस समय की आबादी की जाए तो उस समय पूरे भारत की आबादी सिर्फ 16 करोड़ थी और पूरे भारत से हमारा मतलब है अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक का अखंड भारत। एक तरफ जहां उस दौर में इतनी कम आबादी थी वही बात अगर आज की जाए तो आज इन 5 देशों की कुल आबादी 182 करोड़ है। उस दौर में जनसंख्या कम होने के बावजूद भी इतने काम धंधे नहीं थे। अधिकतर लोग खेती किसानी और पशुपालन पर निर्भर रहते थे। उस वक्त भारत में अधिकतर नील कॉटन अफीम और धान की खेती होती थी। खेती किसानी के अलावा कुछ लोग शहरों में जाकर मिलों में मजदूरी भी करते थे। उस समय आय के साधन इतने सीमित थे और जमींदारों को इतना प्रभाव था कि लोग दिन भर काम करने के बावजूद भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी जितना ही कमा पाते थे। उस दौर में लोगों के पास मनोरंजन के इतने साधन नहीं होते थे, इसलिए लोग दिन भर काम करके शाम को घर वापस आने के बाद भजन कीर्तन करके अपना समय व्यतीत करते थे। टाइम पास करने के लिए लोग कभी कभी कबड्डी और खो खो जैसे देसी खेल भी खेलते थे। क्रिकेट जैसे खेल तो उस दौर के लोग जानते भी नहीं थे। उस वक्त लोग पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए वे खाना भी भजन कीर्तन करने के बाद ही खाते थे। उस दौर के अधिकतर लोगों के खाने में गेहूं चावल और सब्जियां होती थी। तटीय इलाकों में रहने वाले कुछ लोग मछलियां भी खाते थे। उस वक्त लोगों का खानपान इतना स्वस्थ और साफ सुथरा होता था कि लोग खानपान की वजह से बहुत ही कम बीमार पड़ते थे। खाना खाने के बाद सभी लोग गांव के बीच में बने चौपाल पर इकट्ठा होते और दिन भर की थकान उतारने के लिए एक दूसरे के साथ बातें करते। उस वक्त बिजली नहीं थी, इसलिए लोग दिए या फिर लालटेन का इस्तेमाल करते थे। दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद लोग रात तक इतने थक जाते थे कि सोने के लिए उन्हें ना तो किसी बिस्तर की जरूरत होती थी और न ही किसी चारपाई की। लोग रात को जल्दी सोते थे और सुबह जल्दी उठते थे। 1800 के दौर में भारत में जातीय व्यवस्था अपने चरम पर थी। लोग अपनी जाति के मुताबिक काम करते थे, जैसे सोनार सोने का काम करता, लोहार लोहे का काम करता और ब्राह्मण धर्म कर्म से जुड़े काम करता। बात अगर उस दौर के यातायात के साधनों की जाए तो उस दौर में यातायात के भी इतने साधन नहीं थे। लोग सामान ढोने और कहीं जाने के लिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। अधिकतर लोगों के पास कहीं आने जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था, इसलिए वे कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी पैदल ही तय कर लेते। हालांकि 1804 में ट्रेन का इन्वेंशन हो चुका था, लेकिन भारत में ये 1853 में आई। 1880 में ली गई इस फोटो में आप एक इंडियन ट्रेन को देख सकते हैं। आज जहां पोल्यूशन भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, वही उस समय पोल्यूशन का नामो निशान भी नहीं था। हवा साफ थी और चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। कम पोल्यूशन और हेल्दी खानपान के कारण उस वक्त के लोगों का शरीर काफी बलिष्ठ और निरोगी हुआ करता था। उस वक्त के लोगों के स्वास्थ्य का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जो काम हम मशीनों से करते हैं उस दौर के लोग वही काम बड़ी आसानी से हाथों से कर लेते थे। लेकिन लोगों की इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी उस दौर में कई ऐसी बीमारियां थी जो आज नॉर्मल है, लेकिन तब महामारियां थी। उस दौर में कोलेरा और प्लेग जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों की जान ली। आज जहां मेडिकल साइंस काफी एडवांस है, वहीं उस दौर में लोगों के पास ना तो हॉस्पिटल थे और ना ही कोई दवा। 19वीं शताब्दी में भारत का अधिकांश हिस्सा गांव में ही बसता था, शहर बहुत कम थे। शहरों में लोग मिलों में मजदूरी किया करते थे। बिजली और मशीनें ना होने के कारण उस वक्त के लोगों को हाथ से ही सारा काम करना पड़ता था। मिलों में इतनी जीत और मेहनत करने के बाद भी यहां पर काम करने वाले मजदूरों को बस कुछ आने की ही मजदूरी मिलती थी, जिससे इनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। 1800 के पहले जब भारत में अंग्रेज नहीं थे तब लोग हाथों से ही कपड़ा बनाते थे, जिस कारण इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ की क्लॉथ इंडस्ट्री में गिरावट आने लगी। भारतीय कपड़े डिजाइन और क्वालिटी में तो अच्छे थे, लेकिन ये काफी महंगे भी थे। अंग्रेजों के आने के बाद अधिकांश कपड़े फैक्ट्रियों में मशीनों से बनने लगे, जिससे मजदूरों की और वक्त की बचत होने लगी, जिस कारण अंग्रेजी कपड़ा भारतीय कपड़ों के मुकाबले काफी सस्ता मिलता था। अंग्रेजों के भारत आने के बाद एक तरफ जहां अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी, वहीं भारतीयों की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई। उस वक्त एक साधारण से अंग्रेज क्लर्क की औसत सैलरी भी 40 पाउंड होती थी, लेकिन वहीं किसी भारतीय कर्मचारी की सैलरी सिर्फ 1 पाउंड थी। उस समय किसानों को लगातार बाढ़ और सूखे जैसे जानलेवा हालातों से गुजरना पड़ता था। अंग्रेज लोगों से लगान तो समय पर लेते थे, लेकिन मुसीबत के समय उनकी कोई मदद नहीं करते थे। मुगलों के जाने और अंग्रेजों के आने के बाद लोगों की हालत बद से बदतर हो गई। आप उस दौर की ये फोटो देखिए,
इस फोटो में आप देख सकते हैं कि गांव में कैसे भूखमरी जैसे हालात थे। ये तस्वीर 1857 की क्रांति के बाद की है, जब अंग्रेज सैनिक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रहे थे। हालांकि इस दौर में मुद्रा का इस्तेमाल होता था, लेकिन अधिकतर लोग वस्तु विनिमय ही करते थे, यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते थे, जैसे गेहूं के बदले चावल और धान के बदले शक्कर। इस तरह एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के कारण उस दौर के अधिकतर लोग व्यापार नहीं करते थे। गांव में उगई चीजें गांव में ही रहती थी और जो एक दो लोग व्यापार करते भी थे वे भी छोटा मोटा व्यापार ही करते। आज से 200 साल पहले शिक्षा का अभाव था, 10% से भी कम लोग साक्षर थे, लेकिन फिर भी लोग बच्चों को ऐसे संस्कार देते थे कि घर में बुजुर्गों की चलती थी। अगर बुजुर्ग एक बार किसी काम के लिए मना कर दे तो फिर कोई भी उनकी बात नहीं टालता। लोगों में आपसी भाईचारा और सद्भाव होता था। उस वक्त के लोगों के पास पैसे वैसे कम थे, लेकिन फिर भी उनमें किसी तरह की जलन या घृणा नहीं होती थी। लोगों के पास धन कम था, लेकिन मन बहुत था। आप क्या सोचते हैं कि हमें उस दौर की कौन कौन सी चीजें आज वापस अपनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इसी तरह का एक और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप यहाँ राइट और लेफ्ट में क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।